हैलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब टू एवरीवन। तो देखो जी अपनी मैंसुरेशन की सीरीज चल रही थी तो मैंसुरेशन के आप पिछली बार क्वेश्चन किए थे स्केयर के एंड आप रिकटेंगल के। ठीक है अज आप देखो क्वेश्चन करा ट्राइंगल के। ठीक है देखो जेडे अपने एक ना मैंसुरेशन क्वेश्चन आते हैं जेडे सारे फिगर्स मिक्स होकर बनते हैं बट उस तो पहले जो आप इंडिविजुअल सारे क्वेश्चन कर लेंगे दैन आप फिगर्स मिक्स करके करेंगे दैन उस तो बाद हाई लैवल करेंगे। ठीक है तुम्हें टेंशन नहीं लैनी बट जिन्हें क्वेश्चन करने हैं ठीक है उन्होंने प्रैक्टिस करना तो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन करने आप वाधू सारे क्वेश्चन जे आप तैयार करेंगे। ठीक है नैक्सट ट्रायंगल के क्वेश्चन करने से पहले आप कंसैप्ट द्वारा रिवाइव करेंगे। ठीक है देखो जी जे अपने को रिकटेंगल आप तीन तरह की रिकटेंगल पढ़िया सी। ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये अपनी रिकटेंगल है स्केलन ट्रैंगल। ठीक है तुहानू दस्सिया सी जिहड़ा स्केलन ट्रैंगल है उहदा एरिया आपां किवें फाइंड करना पहले सैमी पैरामीटर फाइंड करांगे की हुंदा ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ठीक है उस तो बाद एरिया की हुंदा इहदा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है इहदा अंडर रूट बस इत्थे सीधा अपना की आ जाऊगा एरिया आ जाऊगा। हुण इहदे रिगार्डिंग ही आपां एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स आर। ठीक है आपा की है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिनियां साइड्स हैगियां हैं 9 10 ते 11। ठीक है हुण आपां नूं पता है भी 9 10 11 मतलब ए बी सी स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल की हुंदी है जिहड़ी ट्रायंगल दीआं सारीआं साइड्स की हुंदीआं अपने कोल डिफरेंट हुंदीआं तो 9 10 11 डिफरेंट है स्केलन ट्रायंगल आ एरिया दा फॉर्मूला लावांगे। पहला सैमी पैरीमीटर कढ लो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू 9 प्लस 10 प्लस 11 बटा 2 9 प्लस 10 प्लस 11 बटा 2 तो अपने कोल सैमी पैरीमीटर किन्ना आ गया 30 बटा 2 15। ठीक है आप एस कट लिया हूँ एरिया पुट कर दो। ठीक है एरिया की आ जाएगा एस एस कि 15 माइनस ए 15 माइनस ए कि 9 15 माइनस 10 तो 15 माइनस 11। ठीक है इन्हें लै लो अंडर रूट तो की आ गया 15 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इन्ना की लै लो रूट। ठीक है जी ये तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 3 3 इंटू 2 5 ते 4। ठीक है इतों 3 2 है एक 3 बार आ गया 5 2 है एक 5 बार आ गया। ठीक है अपने को उस तो बाद रह गया रूट 8 इन्हें चो एक 2 बार आ गया तो इंटू रूट 2। ठीक है ये अपने को हो जाएगा 5 15 30 रूट 2 की आंदा आंसर आ गया। ठीक है जी तो देखो अपना जो स्केलन ट्रायंगल होंगी है उनका आह फॉर्मूला होंगे एरिया कढ़ने का। ठीक है उधर आप एरिया कढ़ना सी 9 10 11 9 प्लस 10 प्लस 11 बटा 2। ठीक है तो एस अपने को कितनी आ गई 30 बटा 2 15 इस फॉर्मूले से पुट कर दो 15 15 माइनस 9 15 माइनस 10 15 माइनस 11 15 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है तो इनका रूट कढ़ने के लिए इन अलग कर लो 5 इंटू 3 लिख लिया 3 इंटू 2 5 4। ठीक है हुण 3 इंटू 3 है जो 9 का रूट कढ़ेंगे 3 बार आ जाऊगा ना तो दोनों चो 3 बार आ गया पंजा दोवों चो एक 5 बार आ गया तो फिर रह गया अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 की हुंदा 2 रूट 2 तो अपने को 30 रूट 2 आंसर आ गया जी दोबारा देख सकते हो। हुण ये अपना हो गया पहला फॉर्मूला डैट इज स्केलन ट्रायंगल का किवें कढ़ना आपां एरिया। उस तो बाद दस्या सी अगर अपने कोल इसे ट्रायंगल दे विच थीटा गिवन होवे। ठीक है आ ए है आ बी है ते आ सी है तो जो तो थीटा गिवन है उदो इन एरिया की हुंदा है हाफ इंटू ए बी इन विचकार जिहड़ा एंगल है थीटा साइन थीटा। ठीक है इदा भी आप इनका एरिया फाइंड कर सकते। ठीक है उस तो बाद आप किया जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का आही एरिया अपने को राइट एंगल ट्रायंगल किवें मोल्ड होगा देखो अपने को मान लो आ ए है आ बी है या आप कह दें अपने को बेस लै लो। ठीक है इनू मान लो हाइट। ठीक है तो इनका एरिया होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है। ये फॉर्मूला इतों ही बनया, तुहानू दस्सिया सी किवें कि जो हाफ ए बी साइन थीटा है, जो राइट एंगल ट्रैंगल होएगी उदो थीटा की बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, थीटा की बन गया 90 डिग्री। जे थीटा 90 डिग्री बन गया तो साइन 90 की वैल्यू 1 इन, मतलब हाफ ए इंटू बी, तो आप इन ए मान सकते हैं बी मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। एक इनका फॉर्मूला हो गया राइट एंगल ट्रैंगल का। ठीक है, उस तो बाद आप देखिया इक्विलेटर ट्रैंगल। इक्विलेटर ट्रैंगल कि जिंदिया सारिया साइड्स भी बराबर हो, साइड्स बराबर हो गया तो एंगल भी बराबर हो गए। जिस अपने को 3 एंगल का सम 180 होंगे तो हरेक एंगल की हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ये अपनी कि इक्विलेटर ट्रैंगल। ठीक है जी, इक्विलेटर ट्रैंगल का एरिया आप फाइंड किया √3/4a² ठीक है, √3/4a² इन रिगार्डिंग क्वेश्चन भी करते हैं, पहले देख लिए। उस तो बाद आप की आइसोसेलेस ट्रैंगल। आइसोसेलेस ट्रैंगल की एक दो साइड सेम सी गया। ठीक है, जो दो साइड सेम हो गया तो दो एंगल भी सेम हो गए अपने। ठीक है, इनके सामने वाला तो इनके सामने वाला एंगल भी सेम हो गए, तो एंगल की है डिफरेंट होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रैंगल। आइसोसेलेस ट्रैंगल तुम्हें दसिया से आप कुछ भी याद नहीं करना, इन की करेंगे आह वाले फॉर्मूले के जिथे ए बी सी है उत्थे आप कि ए तो बी भर देंगे। ठीक है, मतलब दो साइड अपन सेम दिखाई होगी, आप फॉर्मूले पुट कर देंगे, कुछ याद नहीं करना। ठीक है जी, तो यह अपना ट्रैंगल बारे जो भी आप डिस्कस किया। तो नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4 Perimeter is given, that is 18. We have to find area. Okay, this is question, and now we'll see the solution of this. जदों भी साइड्स आपां नूं रेशियो च दित्तियां तुहानूं दस्या होया है एक्चुअल वैल्यू नहीं हुंदियां, इन्हां नूं आपां एक्स मान लैंदे हां। ठीक है, पैरीमीटर आपां नूं पता किसी भी फिगर दा हुंदा, सारियां साइड्स नूं प्लस कर दो। मतलब जे मान लो आ ट्रायंगल है जिहदी रेशियो 2:3:4 है, तो एक 2x मान लो, एक 3x मान लो, एक 4x मान लो। ठीक है, हुण आपां इहनूं जदों ऐड करांगे, पैरीमीटर की हुंदा सारियां नूं ऐड कर दो। पैरीमीटर की हो गया, पैरीमीटर की बनना चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग, 3x 4x 2x किन्ना बन गया 2x + 3x + 4x किन्ना बन गया 9x। ठीक है जी, तो 9x की वैल्यू किन्नी दित्ती है पैरीमीटर की 18, तो 9x की वैल्यू किन्नी होगी 18, एक्स की वैल्यू किन्नी होगी 18/9 डैट इज 2। हुण आपां मन्निया सी 2x 3x 4x, तो एक्स की वैल्यू आपां कढ ली 2। हुण आपां इहदे च वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2x मतलब किन्नी बन जाऊगी 2 × 2 = 4, 3x 3 × 2 किन्नी बन गई 6, 4x 4 × 2 किन्नी बन गई 8। हुण रियल साइड जी अपनी अगो आ गई ना, वो आ गई 4, 6 ते 8। हुण आपां कढ़ना की है, एरिया कढ़ना है। ठीक है, हुण अपने को रियल साइड्स केड़ियाँ आ गई, 4, 6 ते 8। आपां पता एरिया किवें निकलता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी द अंडर रूट। एस की है सैमी पैरामीटर, साइड्स आई हैं 4, 6, 8, तो एस किन्नी आ गई अपने को 4 + 6 + 8/2 किन्ना आ गया 9 आ गया। साइड एस 9 आ गई, तो इन्हें पुट कर दो 9 माइनस ए किन्नी है 4, 9 माइनस बी किन्नी 6, 9 - 8 इनका रूट ले लो 9, 5, 3 ते 1। ठीक है, 1 3 बार आ गया, ऐ लिख लो इनू 3 × 3 = 5 ते 3। ठीक है, 3 इन बार आ जाऊगा 1 ते नाल √15 आंसर। ठीक है जी, दोबारा देखो,
साइड दी ट्रैंगल दी जो भी रेशियो से कोई चीज़ दी है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी आप एक्स ले लेना 2x 3x 4x पैरामीटर दिता है 18 साइड जो 2x 3x 4x है तो पैरामीटर की होंगे इन्हों सारे का सम इन्हों सारे का सम कि आया 4 3 7 2 9x 9x कल दिता हो 18 के उतो आप एक्स कड़ ली कि कड़ ली 2 हूँ इन्होंने पुट कर दो हूँ 2x एक्स वैल्यू 2 पुट करो 4 होगी इन एक्स वैल्यू 2 पुट करो 6 होगी इन 2 पुट करो 8 होगी ठीक है तो 4 6 8 आ गई 4 6 8 ने हीरोज़ फॉर्मूला ला दो तो आंसर आ जाएगा ये अपना जो स्केलन का जो फॉर्मूला इन्हों कहने हीरोज़ फॉर्मूला की कहने हीरोज़ फॉर्मूला ठीक है आप 10th क्लास के करते होंगे शायद हीरो फॉर्मूला ठीक है उही है क्लीयर ये अपना ट्रैंगल का क्वेश्चन नैक्सट देखते हैं Each side of equilateral triangle is 6. Find the area. ठीक है नो ट्राई करो सामने Each side of equilateral triangle is 6. Find the area. जल्दी ट्राई करो ठीक है जी ईच साइड ऑफ इक्वलेटर ट्रैंगल हूँ इन कुछ भी नहीं है जी अपन इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया पता आपको पता है इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया कि √3/4 ए स्केयर ए मतलब साइड साइड कि दी 6 तो इन आंसर की आ जाएगा √3/4 6 × 6 2 2s 4 2 3s 6 ठीक है आंसर ओके तो अपने को हो गया आंसर हो गया इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया हाँ जी सॉरी वो अपनी बैटरी हो गई सी चेंज करनी पई ठीक है देखो जी नमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्वलेटर ट्रैंगल इज √3 times द एरिया ऑफ इट इट्स ठीक है तो आप कढ़ना की है लेंथ कढ़नी ईच साइड की जिमें जिमें मेंसुरेशन क्वेश्चन चल रहा उमें भी आप चलना पहला की कहें नमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्वलेटर ट्रैंगल इज √3 times द एरिया आपको पता है इक्वलेटर ट्रैंगल का पैरामीटर की होंगे आ इक्वलेटर ट्रैंगल है इन सारिया साइड्स ए है पैरामीटर की होंगे सम ऑफ ऑल साइड्स इन मतलब इतने पैरामीटर की गल की मतलब 3a किन्ने इक्वल है √3 times द एरिया √3 times द एरिया ऑफ इक्वीलेटरल ट्रैंगल ठीक है हुण आपां नूं पता है एरिया ऑफ इक्वीलेटरल ट्रैंगल किन्ना √3/4 ए स्केयर इतने किन्ना √3 इधर किन्ना 3a हुण देखो √3 × √3 3 4 a × a ए लिख सकते हैं 3 × a ए नाल ए कैंसल 3 नाल 3 कैंसल तो ए कितनी आ गई 4 यही अपना आंसर है जी कुछ भी नहीं सीगा ठीक है ये तो आप लिख रहे हैं क्योंकि आप समझाने लिए लिख रहे हैं वैसे पेपर से तुम किमें करोगे नमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्वलेटर ट्रैंगल इज √3 times द एरिया ऑफ इट मतलब पैरामीटर 3a इज इक्वल टू √3 × √3/4 ए स्केयर अपने को सारी कटिंग होगी ए आ गया 4 ठीक है किन्ने सैकेंड का क्वेश्चन सी हार्डली 5 सैकेंड ठीक है तो ये आप क्यों कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें पहले समझ बना लीए फिर आप सारे क्वेश्चन इदा ही करा करें ठीक है जी ओके तो नमेरिकल वैल्यू पैरामीटर किन्दे इक्वल है √3 times एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रैंगल एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रैंगल √3/4 ए स्केयर 3a इज इक्वल टू दिस ए नाल ए कैंसल तो अपने को आंसर आ गया ठीक है जी वीडियो नो पोज करके तुसी क्वेश्चन नोट करके अपने आप ट्राई भी कर सकते हो नेक्स्ट है जी
ratio of length of ratio of length of each equal side and third side is 3:4 area is given, area of isosceles triangle is 18√5 find the value of third side. ओके देखो जी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड इज 3:4 एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जी आइसोसेलेस ट्रायंगल की गल कर रहा है वैसे तुम्हें क्लीयर हो जाना चाहिए पहली लाइन तो ही ईच इक्वल साइड एंड थ्री साइड मतलब थर्ड साइड भी दो साइड इक्वल है तो थर्ड साइड है एक तो उन्हें रेशियो दी 3:4 एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिता इन्ना फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड पहली लाइन तो जो आप देखिए तो आप रेशियो दी 3:4 मतलब दो साइड 3 है एक 4 है इन आप ले लेंगे 3x एंड 4x समझ लगी 3:4 किन्ना दी रेशियो है जी लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड जे तीन साइड है दो साइड बराबर है तो दो की हो जाएंगे तीन नाल हो जाएंगे 3x एक कीड़ी हो जाएगी 4x ठीक है अपने को हो गया तीन साइड हूँ एरिया दिता है 18√5 हूँ आप एरिया कढ़ लेंगे फिर उन्होंने कंपेयर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हरेक क्वेश्चन का यही सीक्वेंस है एक्स की वैल्यू कढ़नी ताकि रियल वैल्यूज आ जाए उही उन्होंने थर्ड साइड की वैल्यू रियल साइड पूछी हुई है ठीक है हूँ इन भी तुम्हें पता है हूँ थर्ड साइड पूछी है इन्हें मतलब 4x की वैल्यू पूछी है जिहड़ियां ऑप्शन थले होणगियां जे उन्दे चो सिर्फ कोई एक ही ऑप्शन है जी 4 का मल्टीपल है तो उही आंसर होएगा ठीक है अपन इतों ये पता लग गया थर्ड साइड विल बी द मल्टीपल ऑफ 4 तो जे अपने को ऑप्शन दिखाई 10, 12, 15, 18 तो उनके अपने को 12 आंसर है ठीक है बिना वेखे बिना सोल्व किए क्यों क्योंकि थर्ड साइड विल ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ 4 ठीक नैक्सट हूँ आप देखते हैं एरिया किमें कढ़ना एरिया अपन पता है 3x 4x बटा 2 पहला एस कढ़ लेंगे एस कि आ गया 4 3 7 10 10x/2 मतलब 5x फिर आप एरिया का फॉर्मूला ला देंगे आ वाला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट ए अपने को आ गया एस कि 5x माइनस ए कि 3x बी कि 3x तो सी कि 4x अपने को आ गया इतों अपने को बन गया 5x 2x 2x एंड x ठीक है एक तो अपने को दो बार आ गया एक चार एक्स का एक्स की पावर 4 है स्केयर च हूँ देखो अंडर रूट के एक्स रेस टू पावर 4 इन्हें मतलब बार आके की हो जूगा हूँ इन्होंने एवं तो लिख सकते हैं एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर दो बारी है तो बार जो होगी तो कि रह जूगा एक्स स्केयर तो अपने को एक एक्स स्केयर बार आ गया तो अंदर रह गया 2:5 अपने को आया एरिया इनू सोल्व करके तो एरिया अपने को गिवन कि जी 18√5 तुम 18√5 कि कंपेयर कर दो 2x² √5 आपने को एरिया आया दिता कि 18√5 तो √5 नाल √5 कैंसल ठीक है तो एक्स स्केयर की वैल्यू कि आ गई 2 उधर चले जाएगा 9 जे एक्स स्केयर 9 है तो एक्स कि आ गया 3 ठीक है जे एक्स 3 आ गया तो अपने को सारी वैल्यू पता लग जाएगी किमें अपने को वैल्यू 3x 3x 4x थर्ड साइड पूछी है एक्स की वैल्यू पता है 4 × 3 12 आंसर आ गया जी ठीक है दोबारा रिपीट करते हैं हूँ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड इज दिस मतलब 3x 3x 4x मान लिया
फिर आप हीरोज़ फॉर्मूला ला के आंसर कढ़िया 2√5x² पर आपको कितना दिता 18√5 इन दोवों इक्वल करता कटिंग करके एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू जी अपने पुराना आपको मनिया 3x 3x 4x उन्हें पुट करा तो सारी वैल्यूज आ जाएगी। जो पूछते भी अपनी ईच इक्वल साइड कि तो कि आ जानी सी 3 3 9 उन्होंने पूछी थर्ड साइड तो कि आ गई 12। ठीक है जी, तो ये नोट कर सकते हो। हम एक तुहाडी ड्यूटी है जो अपना सैटरडे मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी, तो संडे नूं तुसी मैनू जिहड़ा पिछला मॉक टेस्ट होया सी ते जिहड़ा इह वाला मॉक टेस्ट होगा दोनों दे मिला के मैनू क्वेश्चन नंबर दसना जिहड़ा कि आपां अगली क्लास दे विच डिस्कस करना है। ठीक है, जिस भी किसी स्टूडेंट नूं जिहड़े क्वेश्चन च दिक्कत है वह मैनू वट्सएप ग्रुप के दसना भी आह क्वेश्चन सानू दिक्कत सी अगले लैक्चर से डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो पिछले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन उदू पिछले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन तो जो हूँ तीजा होना है तिना के मॉक टेस्ट से मिला के मैनू दस देना तो आप अद्धा घंटा उसकी डिस्कशन से लावे फिर अपनी क्लास होएगी नैक्सट। ठीक है, कोशिश करना भी जोड़े क्वेश्चन तू बहुत ज़्यादा दिक्कत है मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहा उही दस्यो क्योंकि फिर अपना अगले क्वेश्चन हैम्पर ना हो। ठीक है, भी आप जिन्ना पिछले घट डिस्कस करा फिर अगर ज़्यादा कर लेंगे पर एवं नहीं कि पिछले डिस्कस ना करिए अगे भजे जाइए। ठीक है, एवं नहीं करना। ठीक है, तो जिन्नी भी तुहाडे प्रॉब्लम्स होणगे पहले पहले डिस्कस करा दैन आप अगे कंटिन्यू करा। ठीक है, नैक्सट आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखते क्वेश्चन। आप इधर क्वेश्चन लिखते हैं उधर उनका सोल्यूशन लिखांगे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 2, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है जी, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 2, लेंथ ऑफ ईच साइड आप फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं जी, हुण आपां नूं पता आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसी होती है जिंदियां दो साइड्स की होन बराबर, मतलब आ भी ए है तो आ भी ए है, उस बाद थर्ड साइड की लेंथ दी आप, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 2। जे आह वाली साइड 2 है, ठीक है जी, तो आप मान सकते हैं भी आ एक होएगा तो आ भी की होएगा एक होएगा। ठीक है, तो इतों आप कर सकते हैं इनू मान लो एक्स है जोड़ा अपने को हाइट है जी। ठीक है, तो इन वैल्यू क्ढा इन वैल्यू किमें क्ढा जी, इन वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लावांगे इन इफ इट इज़ ए बी सी ओ इन ट्रायंगल ए बी ओ आह वाली ट्रायंगल पाइथागोरस लावांगे तो बनूगा ए स्केयर 1² प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, एक्स स्केयर की बन जूगा ए स्केयर -1 तो एक्स की आ जूगा ए स्केयर -1 अपने को आ गया एक्स। आपको पता हूँ एरिया की होंगे हाफ इंटू बेस कि 2, हाइट कि जी ए स्केयर -1 किन्दे इक्वल दिता है 4 दे। ठीक है जी, 4 दे इक्वल आ गया, 2 नाल 2 कैंसल, ए स्केयर -1 अंडर द रूट कि आ गया 4, इन दोनों स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड। ये भी एक अपने देखो जी बेसिक जो प्रिंसीपल है स्केयरिंग बोथ साइड का मतलब की है, हम अपने को अंडर रूट है, अंडर रूट स्केयर ना कट्टिया जाता है तो करके बस स्केयर साइड स्केयर कर सकते बोथ साइड, मतलब जेड़ा फंक्शन तुसी इधर लाना उही उधर लाइद है न्यूट्रल करन दे लई, जे तुसी इहनू कर रहे हो स्केयरिंग तो उन्होंने भी करना पैना है न्यूट्रलाइज करन दे लई, तो ए स्केयर -1 अंडर रूट का स्केयर तो 4 का स्केयर 16, जो ए हो जूगा अपने को आ जूगा ए स्केयर -1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इतों की आ गया ए स्केयर इज इक्वल टू 17, इतों की आ गया ए कितनी हो गई अपने को √17, यही पूछा उन्होंने, हाँ जी लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ गई √17। ठीक है जी,
ये तुसी नोट कर लो। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4। एरिया अपने पता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितनी दी है अपने, 2 दी है। लेंथ ऑफ ईच साइड आप फाइंड करनी सी, तो आपा की कीता आपा आ वाली चीज़ कढ़न की कोशिश की है, तो आ दो एक एक करके उतो आप पाइथागोरस थ्योरम लाती, हाइट की वैल्यू कढ़ ली, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लाता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कहते इक्वल दिता है अपने को 4 दे इक्वल दिता है, ठीक है। तो इदा आप क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेशियो ऑफ साइड्स किन्नी गिवन है जी, 3, 4 ते 5। रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गी। एरिया गिवन है 72। नेक्स्ट कहता फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हूज जिसका पैरीमीटर है इज इक्वल टू, हूज पैरीमीटर इज सेम एज डैट ऑफ प्रीवियस ट्रायंगल। हुण देखो दो ट्रायंगल्स की गल चल रही है इत्थे, ठीक है। कहिंदा रेशियो ऑफ साइड्स दित्ती गई है एक किसी ट्रायंगल की, उहदा एरिया दित्ता होया। कहिंदा फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हूज पैरीमीटर इज सेम एज डैट ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल। प्रीवियस ट्रायंगल मतलब आ जिहड़ी इनफॉर्मेशन है एक प्रीवियस ट्रायंगल की है, जिहनूं आपां नाम देता प्रीवियस ट्रायंगल, ठीक है। उस बाद आ की है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिहदा आपां की कढ़ना है, एरिया कढ़ना है। तो उहदा पैरीमीटर किहदे इक्वल आ, आ वाली ट्रायंगल दे पैरीमीटर दे। हुण आ वाली ट्रायंगल दा पैरीमीटर कढ़ीए पहलां, ठीक है, कढ़दे आ। रेशियो ऑफ साइड्स गिवन है, रेशियो ऑफ साइड्स दा 3, 4 ते 5। आपां नूं पता है जे रेशियो गिवन है तां रीयल वैल्यू कढ़न दे लई आपां नूं एक्स ला दिंदे आ, आ अपने कोल आ गईआं रीयल वैल्यूज़। एरिया दिता 72, ठीक है, एरिया 72 दिता, तो इन आप एरिया कढ़ लाँगे 3, 4, 5 का, ठीक है। तो एक चीज़ तुसी याद रखनी है, जो भी तुहानू किते 3, 4 ते 5 मिले, इहदा मतलब है 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाउंदा है। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो दिस इज 5, आ 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बट की है, बेस ते हाइट ही होणगे, आ भी हो सकता ते आ भी चीज़ हो सकती है, क्लीयर। हुण इहदा जदों आप एरिया फाइंड करना तां वेरी सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भावें 4 इत्थे लै लो 3 लै लो, सेम ही आंसर होना है। तो आंसर आ गया अपने कोल 6। एरिया किन्ना आ गया अपने कोल, 6 आ गया, 3, 4, 5 का जदों आपां करांगे, ठीक है। तो इदां ही आपां इहदे च की करना है, जे अपने कोल 3, 4, 5 आ गया तो आपां की करांगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हुण आपां नूं पता बेस ते हाइट आही होणगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज़ द लोंगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। हुण जदों भी आपां 3, 4, 5 की ट्रायंगल ड्रॉ करांगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलवेज जिहड़ी वड्डी साइड आ हाइपोटेन्यूज 5 होगी, तां बेस ते जिहड़ा दूजा हाइट आ ओह की आ होणगी। तां आपां लिख सीधा लिखता हाफ 3x 4x, इहदा एरिया हो गया किहदे इक्वल दित्ता होया जी, 72 दे इक्वल दित्ता है, ठीक है। तां की हो गया 144/12, ये आ गया एक्स स्केयर, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो अपने को आ गया 12, एक्स स्केयर अपने को कि आ गया 12, तो एक्स कि आ जूगा रूट ट्वेल्व की लिख सकते हैं, देखो जी 2, 6, 2, 3, 3 तो की आ गया 2√3, ठीक है। एक्स कि आ गया जी 2√3, हूँ एक्स अपने को 2√3 आ गया, ठीक। हूँ अपने को रियल वैल्यूज़ कि आ गया
2 रूट 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਫਿਕੁਲੇਟਡ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੂਜ਼ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਡੈਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 × 2√3, 4 × 2√3 ਅਤੇ 5 × 2√3। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6√3, 8√3, 10√3। ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6 ਅਤੇ 8 14 ਅਤੇ 10, 24√3। 24√3 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 3 × ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਉ, 3 ਆ ਗਿਆ 24√3, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24√3 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 8√3। ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, √3/4a² √3/4a ਕਿੰਨਾ, 8√3, 8√3, ਠੀਕ ਹੈ। 4 × 8 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3 × 6 48√3 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਸਾਈਡਸ 3, 4, 5, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ 72, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਕੁਲੇਟਰ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੂਜ਼ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ 3x 4x 5x, ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਈਡਸ, ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ 72। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1/2 × ਬੇਸ × ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ 1/2 × ਬੇਸ × ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਏਰੀਆ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, 24√3। ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ 24√3, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਹੈ, a+a+a, 3a ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 24√3 ਦੇ। 24√3 ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 8√3। ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ, √3/4a² √3/4a² 8√3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਕ ਟੈਸਟ, ਦੂਜੇ ਮੋਕ ਟੈਸਟ, ਤੀਜੇ ਮੋਕ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।